सरकार तो कहती है कि हम हर एक गरीबों को आवास दे रहे हैं, अबुआ आवास दे रहे हैं, लेकिन यहाँ तक शायद उनका अबुआ आवास नहीं पहुँच पा रहा है। जो मकान है ये कभी भी गिर सकता है और यहाँ पे इन लोगों का खाना बना चलता है, यही है ना। 1 अगस्त रात 1 बजे बाढ़ घुस गया था घर में, उसके कारण हमारा घर धंस गया। अपन झारखंड में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ पिंटू कुशवाहा। मैं आज आप लोगों को एक ऐसे जगह पर लेकर आया हूँ और ऐसा चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जहाँ सरकारी महकमा या सरकार या सरकारी तंत्र जो है आकर फेल हो जाता है। सरकार तो कहती है कि हम सारे वादे पूरा करेंगे, सरकार सब कुछ देती है, लेकिन यहाँ तक आते आते सरकारी महकमा का जो भी योजना होता है वो यहाँ आकर फेल हो जाता है। आज हम खड़े हैं बड़कागांव प्रखंड के आंगो पंचायत के चेलंगदाग गांव में, और बता दें कि 1 अगस्त या 2 अगस्त को बहुत ही भारी बारिश हुआ था यहाँ पर, और जिसके कारण नदी से कुछ दूरी में लगभग 200 मीटर दूर जो गांव बसा हुआ है चेलंगदाग में, उसमें इतना भारी बारिश का पानी आ गया था कि यहाँ पर रह रहे ग्रामीणों के घर तक पानी पहुँच गया, जिसमें 1-2 घर जो है बुरी तरह से ढह गया, जिसके बाद तुलसीगंजू के जो परिवार है वह दर दर भटकने के लिए मजबूर हो गए हैं। उसके बाद उसको लगा कि अब सरकारी महकमा आएगा और हमारे घर का मरम्मती करवाएगा, लेकिन अभी तक 1 अगस्त से अभी आज जो है दिसंबर आ गया है और दिसंबर तक उनके घर में अभी तक कोई आवास नहीं बना है। आज हम दिखाते हैं आपको कि कैसे वह जीवन यापन कर रहे हैं। यही वो घर था जिसमें 1 अगस्त की रात को जबरदस्त भारी बारिश के कारण पानी आया था, और यह पानी इतना ज़्यादा था कि यह पूरा घर, इधर आके थोड़ा दिखा दीजिएगा, यह पूरा घर जो है वह ढह गया था, और इसमें इसी रात में ही यह घर जो है वो ढहा है। और यहाँ के तुलसीगंज का कहना है कि हम लोग रात में इसी घर के अंदर सोए हुए थे, और इकलौता ये घर है जिसमें वह सोए हुए थे, और ये दिखा दीजिए कि किस प्रकार से ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं, और यह गिर जाने के बाद वह कैसे रह रहे हैं और क्या अभी उनको सरकारी लाभ मिला है, इससे हम लोग जानेंगे। यहीं पर उपस्थित हैं तुलसीगंजू जी, जो मैं आपको बता दूं कि इस घर में तुलसीगंजू जी ये हैं घर के मुखिया, इनसे हम जानेंगे कि क्या हुआ था यहाँ पर। बारिश की वजह से घर नुकसान हुआ, डूबा पड़ गया पूरा। तो ये थोड़ा सा बता दें कि थोड़ा सा ये विकलांग भी हैं, ये सुनते नहीं हैं, इसलिए यह कुछ ज़्यादा हम लोगों से बात नहीं कर पाएंगे। इनके पुत्र हैं रवि गंजू जी, रवि बताएंगे कि क्या हुआ था यहाँ पर, क्या हुआ था रवि बाबू। पानी आने के कारण हमारा घर धंस गया। ये लगभग 1 अगस्त रात 1 बजे बाढ़ घुस गया था घर में, उसके कारण हमारा घर धंस गया। तो क्या सरकारी लाभ मिलने के लिए कोई नहीं आए थे, सरकारी महकमा कोई सरकारी अधिकारी यहाँ आए थे? आए हुए थे, मुखिया जी आए हुए थे और ये पंचायत सेवक मुकेश आए हुए थे। हाँ, क्या बोले? वो सब बस बोले कि जियोटेक करके बोले कि आ जाएगा घर, ऐसे बोल के फिर चल गए। कितने दिनों में वो बोले थे कि घर आ जाएगा? वो टाइम तो नहीं बताए थे, फिर भी बोले थे कि ये जियोटेक करके चल गए। तो जब ये घर जो गिर गया उसके बाद आप लोग कहाँ रह रहे थे, कितने परिवार हैं आप लोग, सो पहले बताइए। हम लोग 6 परिवार हैं। हम लोग घर गिरने के बाद हम लोग दूसरों का घर में यहाँ चाचा के यहाँ रहते थे। हाँ। उसके बाद आपके घर में कौन कौन रहते हैं जरा एक बार बताएंगे? 3 सिस्टर, माँ और हम और पिताजी। क्या आपके पिताजी, तो हम लोग देखे कि वो थोड़ा विकलांग हैं, सुन नहीं पाते हैं, तो उनको क्या सरकारी लाभ मिलता है क्या? नहीं, सरकारी लाभ तो नहीं मिलता है। नहीं मिलता है? नहीं। तो आपका जो आवास है ये मुखिया जी या फिर जो पंचायत सेवक आए हुए थे ब्लॉक से, वो क्या बोले थे? वो बोले थे कि मिल जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला, 5 महीने हो गए। हाँ, हो गए, नहीं मिला अभी तक। फिर दोबारा कभी किसी अधिकारी या मुखिया जी से मिले? नहीं मिले। क्या बात होता था उससे? हाँ। तो बोले कि हो जाएगा ऐसे बोल के टलावा देते थे। तो अभी कैसे रह रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग बस यहीं कुछ है बचा हुआ उसी में रह रहे हैं। खाना पीना आप लोगों का कहाँ होता? बाहर बनाते हैं। आइए थोड़ा दिखा दीजिए कि कहाँ पर आप लोग खाना पीना बनाते हैं। देखिए कितने मुश्किल से ये लोग अपना रह रहे हैं। यहाँ पर
यह कभी भी, यह जो मकान है ये कभी भी गिर सकता है और यहाँ पे इन लोगों का खाना बना चलता है, यही है ना? हाँ, यही खाना पीना चलता है, यहाँ खाना पीना चलता है। हाँ। और इधर ही बाहर रहते हैं। हाँ, इधर रहते। अब आप सब सोच सकते हैं कि इतनी कड़ाके की ठंड पड़ने के बावजूद भी जो तुलसी गंजू का परिवार है वह ऐसे ठंड में, ऐसे टूटे घर में जो कभी भी गिर सकता है, जो भी है इनका सामान देखिए, सब इनका सामान जो है सब यहीं फेंका हुआ है। इतनी कड़ाके के ठंड में ये ऐसे ही बाहर रहते हैं और ये कभी भी दोबारा गिर सकता है और दोबारा ये दब भी सकते हैं, और उसके बावजूद भी सरकारी महकमे के जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनके कानों में जू तक नहीं रेंग रहा है। अब देखते हैं कि यह तुलसी गंजू जी का जो घर है वो कब तक बनता है, सरकार कब इसे सूद लेती है और कब बनता है। चूँकि सरकार तो कहती है कि हम हर एक गरीबों को आवास दे रहे हैं, अबुआ आवास दे रहे हैं, लेकिन यहाँ तक शायद उनका अबुआ आवास नहीं पहुँच पा रहा है। इसलिए आज तुलसी गंजू का जो परिवार है इस तरीके से रहने के लिए बेबस है। और इस कड़ाके की ठंड में अगर कुछ हो जाती है इन परिवार को, जो 6 सदस्य यहाँ रहते हैं, अगर कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा, यह आप सभी बताएंगे कि इनका जिम्मेवार कौन होगा। क्या लगता है आपको कि क्या सरकार से क्या डिमांड करते हैं? जो नुकसान हुआ है वो और आवास आ जाए, बस वही हम ये चाहते हैं सरकार से, यही चाहते हैं। हाँ। तो इनका देखिए कितना साधारण सा मांग है कि जो उनका नुकसान हुआ है और एक आवास इनको मिल जाए ताकि ये सभी जो परिवार के सदस्य हैं वह रह जाएंगे। तो कितना पानी आया था यहाँ पर बता देंगे क्या, कितना पानी था? देखिए बताएं कहाँ, इतना दूर तक क्या था, कैसा था उस दिन जिस दिन पानी आया था? उस दिन पानी तो बहुत भयानक पानी बाढ़ आया था। हाँ। बहुत भयानक, पूरा दिख रहा है ना, पूरा ढका हुआ था पानी से। हाँ हाँ। अब इधर पूरा देखिएगा तो पूरा एकदम लगता था, उधर दिखा दीजिए थोड़ा, लगता था कि सिमरा डैम है। हाँ हाँ। सिमरा डैम देखे है ना? हाँ हाँ। वैसे ही लगता था, रात को हम लोग लाइट से देखते थे तो लगता था सिमरा डैम है। अच्छा, वैसा पानी आया था। तो आप लोग कैसे फिर रह रहे थे समय, जब सब कहा करेंगे वहाँ से हम लोग फिर साइड हो गए। साइड? हाँ, साइड हो गया। उसके बाद हम लोग को देता पूतो था, उन लोग को थोड़ा सा पानी उन्हें गिराए तो थोड़ा सा फिर राहत हुआ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो, क्या नाम हुआ आपका? मेरा घुनेश्वर गंजू है। ये घुनेश्वर गंजू थे, यहीं बगल में इनका घर है। इनका कहना है कि इतना दूर दूर तक यहाँ पर पानी आ गया था, सभी के घरों में पानी घुस गया था। मेरा भी घर में पानी घुसा है। आपके भी पानी? हाँ, मेरा घर में भी पानी घुसा है। आपका घर किधर था? तो बगल में लाया। ओ, बगल में वाला। हाँ सर। तो इनके भी घर में पानी घुस गया था और स्थिति ये हुआ। आपके भी दीवाल गिरे थे? गिरा नहीं, देख रहे सर, उठाए हैं बाद में। ओ, दीवाल आपका भी गिरा। हाँ। तो इनका भी घर में जो पानी घुस गया था उसके बाद इनका दीवाल गिर गया था। तो फिलहाल हम लोग तुलसी गंजू जी के घर में, उसके आंगन में हैं और वो इसी टूटे हुए घर में अभी रहने को विवश हैं। तो हम सरकार से जल्द मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन तुलसी गंजू के परिवार को रहने के लिए आवास दे दिया जाए ताकि यह अपना जीवन यापन कर सकें।